करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे से जो छाप छोड़ी उसे लंबे वक्त तक ऑस्ट्रेलिया याद रखेगा। सिडनी के ओलंपिक पार्क में जैसे ही वर्ल्ड लीडर मोदी ने कदम रखा तो 20,000 से ज्यादा लोगों ने मोदी मोदी का उद्घोष कर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। विदेशी धरती पर भारत माता का जयघोष होता रहा और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस नजारे को हेडलाइन बनाकर आज अखबारों में छापा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी पीएम मोदी के इस अहम दौरे को पहले पन्ने पर छापा है। किसी ने पीएम मोदी के स्टाइल का कायल होकर बॉस लिखा तो किसी ने लिखा कि मोदी ने सिडनी को हिला दिया। विपक्षीय बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देशों में पहले से ही बहुत मजबूत दोस्ती है और भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय ने बहुत योगदान भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कई शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। चाहे वो पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हो या फिर पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलियाई पीएम के द्वारा द बॉस का संबोधन। एक और जानदार तस्वीर भी सामने आई जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस भारतीय राष्ट्रीय झंडे तिरंगे के रंग से जगमगा उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट गुरुवार को घोषित किए जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुख्यालय से स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार नतीजे जारी करेंगे। रिजल्ट जारी करने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि 19 लाख से ज्यादा छात्रों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया, जिन्हें बेसब्री से अब रिजल्ट का इंतजार है। जरूरी ये है कि रिजल्ट से पहले छात्र ये जान लें कि वे रिजल्ट कैसे देख पाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, छात्र mprizults.nic.in या mpbsc.mponline.gov.in या फिर mpbsc.nic.in पर जाकर नतीजे देख पाएंगे। मध्य प्रदेश के 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। दरअसल प्रोजेक्ट अंकों की एंट्री ना होने से कई छात्र 5वीं और 8वीं में फेल हो गए हैं। इससे वे काफी परेशान हैं। अब स्कूलों को 27 मई तक अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट के अंकों की एंट्री करनी होगी। 5वीं 8वीं परीक्षा परिणाम प्री प्रोजेक्ट और अर्धवार्षिक के अंकों की प्रविष्टि 27 मई तक पूरी करने के स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक या दो विषय में फेल होने वाले छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का अनिवार्य रीचेकिंग और अंकों की रिकाउंटिंग के साथ रीएंट्री 30 मई तक करनी होगी। इसके बाद 5 जून को संशोधित परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। आपको बताते चले कि हाल ही में घोषित कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा परिणामों में कुछ बच्चों का रिजल्ट इस कारण से फेल कैटेगरी में आया है कि उनके स्कूल के द्वारा अर्धवार्षिक या प्रोजेक्ट के अंकों की एंट्री ही नहीं की गई। आसमान में धुएं की चादर और बिल्डिंग से निकलते अंगारे, भीषण आग की तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं। यहां उरला के रॉयल फैब्रिकेशन फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर रायपुर सिटी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने की जद्दोजहद शुरू हुई। फैक्ट्री में हुए इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत भी हुई है। 2 अन्य कर्मचारी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में एक महिला और एक पुरुष भी शामिल है। आपको बताते चले कि जिस फैक्ट्री में आग लगी है उसमें लोहे का सामान बनता है। उनके चेहरे पर नकाब, हाथों में लाठी है और इरादे हिंसक। हमलावरों में क्या महिलाएं क्या पुरुष, सभी मारपीट पर उतारू हैं। पड़ोसियों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मारपीट की घटना छत्तीसगढ़ के भिलाई के सेक्टर 10 की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।
सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं चेहरे पर नकाब ली हुई हैं, दूसरे पक्ष की दुकान के शटर को उठाते हैं, फिर शीशे में तोड़फोड़ भी करते हैं। दुकान और कार पर हमले के वक्त मौके पर कई लोग मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर हमलावर थे। खूनी संघर्ष में दो युवक जख्मी हुए हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, वहीं मामले की तफ्तीश भी की जा रही है। मध्य प्रदेश में गर्मी का आलम क्या है, इसे इस आंकड़े से समझिए कि देश के टॉप 10 गर्म शहरों में मध्य प्रदेश के 3 शहर शामिल हैं। खजुराहो, टीकमगढ़ और ग्वालियर में पारा 7वें आसमान पर है। इधर गुरुवार से अलग अलग स्थानों पर मौसम के 4 सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं। प्रचंड गर्मी के बीच अब कई जिलों में बादल भी छाने लगे हैं। नमी बढ़ने के साथ प्रदेश के अधिकांश जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बादल छाने के साथ 2 दर्जन जिलों में बारिश और तेज हवा के आसार हैं। वहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम बदलने से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट भी हो सकती है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक 26 मई से एक और शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर में आएगा, जिसके प्रभाव से नौतपा में भी बूंदाबांदी के साथ बारिश होती रहेगी और तमाम मौसम के मिजाज बदले होंगे। छत्तीसगढ़ में मौसम के बदलने का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटों में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। रायपुर के साथ ही बस्तर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना है और उसकी वजह से छत्तीसगढ़ में नमी युक्त हवा का आगमन हो रहा है, जिसका असर मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश से गर्म हवाओं का आगमन भी जारी है, जिसका असर उत्तर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अगर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तापमान की बात करें तो राजनांदगांव और महासमुंद में 43.5 डिग्री, रायपुर में 41.4 डिग्री, अंबिकापुर में 40.5 डिग्री, कोरबा में 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन मौसम में बदलाव के कारण प्रदेश के तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के देवास में बाईपास पर जेल चौराहे के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हो गए। दरअसल एक तेज रफ्तार डंपर डिवाइडर को तोड़ता हुआ एक लोडिंग ऑटो से टकराकर पलट गया। लोडिंग में गृहस्थी का सामान भरा हुआ था। इस हादसे में 2 और 3 साल के 2 बच्चों सहित एक महिला शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक सागर निवासी रानी पति सूरज और उनके दोनों बच्चे ऋतिक 2 साल और अंशु 3 साल के साथ ही डंपर में बैठे एक शख्स की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को निकालकर अस्पताल भेजा। धू धू कर जलते छप्पर की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की हैं, जहां विजयपुर के बस स्टैंड के पास एक चिंगारी भड़की जो देखते ही देखते रौद्र रूप में बदल गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि दुकान के आगे रखे छप्पर इसकी जद में आ गए और धू धू कर जलने लगे। आग की जद में 4 छप्पर आ गए। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग ने भयानक रूप धारण कर लिया, लिहाजा तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और फिर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि आग की जद में कोई घर नहीं आया, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हाथियों का झुंड अब ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है। लोगों के घरों पर गजराज कब दस्तक दे दे इस बात का डर है।
छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के रिहायशी इलाके में घूमते हुए हाथियों के झुंड की ये तस्वीरें सामने आई। इस झुंड में 5 हाथी बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से हाथी इलाके में डेरा जमाए हुए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि हाथी सड़क पार कर रहे हैं। मरवाही के दानी कुंडी में सड़क पार करते हुए हाथियों का किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। हाथी सिर्फ इलाके में पहुंचे नहीं बल्कि फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इधर वन विभाग ने लोगों को सावधान किया, उन्हें जंगल की तरफ न जाने की सलाह दी। बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर लोग हाथियों की तरफ जा रहे हैं, जिससे जान जोखिम में पड़ सकती है। इंसानियत जब दम तोड़ दे, अपने जब साथ छोड़ दें, तब एक परिवार के लिए पुलिस सहारा बनी। संकट की घड़ी में साथ दिया। मनेंद्रगढ़ के लालपुर के कमल डांड इलाके में एक परिवार पोल्ट्री फार्म में काम करता है। पति की तबीयत खराब हुई और रायपुर इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। किसी तरह पत्नी रायपुर से गाड़ी से पति के शव को लेकर मनेंद्रगढ़ के लिए निकली, लेकिन बदकिस्मती की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। ड्राइवर उनको रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने पुलिस से संपर्क किया और फिर पुलिस इस परिवार के लिए सहारा बनी। शव को लाया गया, पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया। 18 महीने का मासूम जिसने पिता को मुखाग्नि दी। आज के दौर में एक बड़ा तबका शादी और बारात में शानो शौकत दिखाता है, ऐसे में बैलगाड़ी से बारात वाकई अनोखी बात है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धनुरा गांव में आर्मी के जवान की अनोखी बारात निकली। रनु सेंडी की बारात बैलगाड़ी पर निकली तो नारायणपुर में बुधवारी बाजार पारा में भी देसी अंदाज में बारात निकली। यहाँ भी दूल्हा अपनी दुल्हनिया लेने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचा। इस अनोखी बारात को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस शादी को यादगार बनाने के लिए दूल्हे ने कुछ अलग करने की सोची और आधुनिकता के इस दौर में बारात को बैलगाड़ी से ले जाने का फैसला किया। बैलगाड़ी पर बारात को देख हर कोई दंग है। ये बारात इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के ट्वीट पर पलटवार किया है। जयराम रमेश ने लिखा था कि संसद में लोकतंत्र की शहनाई बजनी चाहिए, लेकिन जब से स्वघोषित विश्व गुरु पधारे हैं, एक तंत्र की तोप चलाई जा रही है। इमारत नहीं नियत बदलो। गौरव भाटिया ने ट्वीट के जरिए पलटवार करते हुए लिखा कि दगे कारतूसों को लोकतंत्र की खुशी की शहनाई नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जब जब भारत गौरवान्वित होता है तो आपके यहां मातम का माहौल होता है। भारत को कोसते कोसते बहुत दूर निकल गया। विदेशी धरती पर कहना भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है क्या हर भारतीय का अपमान नहीं था? थोड़ा पास आइए भाई साहब, शहनाई भी सुनाई देगी और भारत के लोकतंत्र की ताकत भी दिखाई देगी। तो जयराम रमेश के ट्वीट पर पलटवार किया है गौरव भाटिया ने। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है जयराम रमेश को। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।